अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू कुकिंग के डॉट कॉम। आज हम बना रहे हैं कच्चे आम की चटनी, तो चलें देखते हैं हमें किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। यहाँ पर मैंने एक अदद बड़े साइज़ के आम को छोटे पीसीज में कट कर लिया है। 9 से 10 मैंने यहाँ पर पुदीने के पत्ते ले लिए हैं। 1/4 कप मैंने यहाँ पर हरा धनिया लिया है। 2 अदद हरी मिर्चों को मैंने यहाँ पर चॉप कर लिया है। 2 अदद लहसुन के जवे काट लिए हैं और 1/4 चाय का चम्मच मैंने नमक ले लिया है। तो सबसे पहले 1 अदद ब्लेंडर में डाल देंगे कटे हुए आम। इसके बाद इसमें डाल देंगे पुदीने के पत्ते, हरा धनिया, हरी मिर्चें, लहसुन और साथ ही इसमें नमक शामिल कर देंगे। 1/2 कप पानी डाल देंगे। अब हम इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। तो यहाँ पर चटनी हमारी ब्लेंड हो चुकी है। अब हम इसे किसी बाउल में निकाल लेंगे। आप चाहें तो इसे किसी कंटेनर में डालकर 1 महीने तक के लिए सेव कर सकते हैं। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।